अस्सलाम वालेकुम, एन एच ड्रीम्स फाउंडेशन ब्लॉगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम करता हूँ। आज मैं आपको शादी का ब्लॉग दिखाऊंगा। तो आज मैं कज़न ब्रदर का शादी में आया हूँ, अटेंड हूँ, ज्वाइन हूँ। तो मैं आपको बारात में मैं शिरकत किया हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तैयारी तो हो चुकी है, वो कार में बैठने वाले हैं। तो लड़की और लड़का दोनों नाम लिखा हुआ है, अब्दुल्ला एंड नेहा, ये दोनों नाम हैं दूल्हा दुल्हन की। तो ये रात का बारात है, दूल्हा को बैठाने जा रहे हैं मेरे बड़े भाई आ रहे हैं लेके। अब मेरे कज़न ब्रदर वो दूल्हा बाबू है, तो देखिए वो अभी बैठेंगे कार में। उसके बाद जो गेस्ट है वो भी अलग कार में बैठेंगे, लेडीज़ तो चली गई। यहाँ से सीधा मैरिज हॉल जहाँ पे अरेंजमेंट किया गया है, दुल्हन है, कार वहीं पे जाएगी दूल्हे की, और हमारे भी जो लोग बैठे हैं गेस्ट, तो हम लोग भी जाएंगे। तो आप देखते रहिए, बने रहिए वीडियो में, आगे का मैं दिखाता हूँ आपको। तो अभी हम लोग गेस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, और भी सारे गेस्ट आने वाले हैं जिनको इनवाइट किया गया है वेडिंग में। हम लोग अब जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो ऑलरेडी कार आगे में है, तो हम लोग जिसमें बैठे हुए हैं वो अभी छूटेगी। तो हम लोग दूल्हे के गाड़ी के पीछे पीछे चलूँगा। तो हमारे जितने भी लेडीज़ गेस्ट थी वो चले गई, तो हम लोग भी अब जा रहे हैं। ये रात की बारात है, करीब 12:30 बजे रात की सीन है। तो देखिए हम लोग दूल्हा गाड़ी के पीछे पीछे चल रहा हूँ, और ये अब आ गई। देखिए ये लड़की के दरवाजे यानी जहाँ पे अरेंजमेंट किया गया है मैरिज हॉल, वहाँ पे हम लोग पहुँचेंगे। अब्दुल्ला विट्स नेहा, जो रसूमात है, तो जो शादी में लेके जाया जाता है गिफ्ट समझिए, तो वो सब निकले हैं कार से, और वो जहाँ पे मैरिज हॉल है वहाँ पे दुल्हन के पास ले जाया जाएगा। तो लड़की के घर वाले के हैंड ओवर किया जाएगा ये गिफ्ट। देखिए सब जा रहे बारी बारी, खुशी का माहौल तो बात ही अलग है। तो अब हम लोग मैरिज हॉल में एंट्री लेंगे, दाखिल होंगे। तो दूल्हा अभी निकला नहीं है, तो वो निकलेगा, उसे लेके जाया जाएगा। दोस्तों आप देखिए, थोड़े ही देर में दूल्हे को ले जाया जाएगा यहाँ से। तो स्कूटी का इंतज़ाम किया गया है अरेंज, दूल्हा पैदल चलेगा नहीं क्योंकि ये रसूम है। लड़की का घर का कोई भी शख्स आएंगे लेके जाएंगे। देखिए ज़्यादातर ये हक बनता है दूल्हे का, साला का, लड़की का भाई दूल्हे को रिसीव करते हैं, ले जाते हैं। तो मैरिज हॉल के अंदर ले गया है, तो अभी वो शायद गोदी उठाएंगे। तो अब देखिए दूल्हा को गोदी उठाया जाएगा। अभी दिखाता हूँ मैं, ये दूल्हा की गोदी उठा के लेके जा रहा है। तो ये हॉल के अंदर दाखिल हो चुका दूल्हा। ये बारात रात की बारात है, तो मेहमानों से भरी हुई है ये हॉल। तो दूल्हा को बैठाया जाएगा, तो दूल्हा को लेके चले जा रहा है ये बैठाने के लिए। बाराती लड़की वाले, घर वाले, दूल्हे के दोस्त सब शरीक है, शामिल है। बहुत ही खुशी का दिन है, खुशी का वक्त है। तो शादी के मौके में दोस्तों आप तो जानते हैं बहुत ही मज़ा आता है, अच्छा लगता है। देखिए
ये जो दूल्हा है ना, मेरा कज़न ब्रदर यानी चचेरा भाई है। तो मैं तो ब्लॉग बनाने के लिए मैं पूरा ये काम किया हूँ, उसके पास मैं बैठ नहीं पाया, तो मैं आज आप लोगों को ब्लॉग दिखाने के लिए वीडियो शूट किया हूँ। तो देखते रहिए, अभी सबको नाश्ता मिला है और शरबत तो मुझे भी मिला है नाश्ता शरबत। लेकिन मैं तो ब्लॉग के चक्कर में सब जगह मैं इधर उधर जा रहा हूँ, मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ अपने भाई को। ये मुस्कुराते हुए बच्चा मेरा भगना, मेरा भांजा, ये मैं नाश्ता कर रहा हूँ। बहुत ही मज़ा चकल्लस मस्ती यहाँ पे शादी के वक्त होता है। नाश्ता के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि काजी साहब आएंगे तो वहाँ पे लिखा पढ़ी काम होगा, निकाह के लिए तैयारी चालू होगा। तो मेरा वीडियो में देखते रहिए, मैं आगे और भी दिखाऊंगा आपको, बहुत ही अच्छा लगेगा। कुछ देर में काजी साहब आने वाले हैं निकाह के लिए, तो तैयारी चालू है। तो काजी साहब भी बैठे हुए हैं, देखिए आ चुके। तो यहाँ पे रजिस्टर में जो नाम एंट्री होगा दूल्हा का और एड्रेस जो प्रोसेसिंग है वो होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले निकाह के लिए लड़का से पूछा जाएगा। तो यहाँ से पूछने के बाद फिर लड़की के तरफ दुल्हन के पास जाएंगे, वहाँ पूछने के बाद समझिए दोनों तरफ से हाँ होने से शादी हो जाएगी मुकम्मल। तो आप देखते रहिए, मैं आपको दिखाऊंगा। अब देखिए दोस्तों, लड़का का प्रोसेसिंग हो गया है, तो गवाही के लिए सिग्नेचर चल रहा है जो शादी में ज़रूरी है गवाही के लिए। ये रजिस्टर में नाम सही किया जा रहा है, तो इसके बाद लड़की वाले के पास जाएंगे जहाँ दुल्हन है, तो वहाँ पे भी गवाही दिया जाता है, लिखा जाता है साइन। तो आप देखते रहिए, बने रहिए वीडियो में। निकाह का प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गया है, अब खाने के लिए दूल्हा को बुलाया जाएगा। तो दूल्हा को स्पेशली अलग जगह में बैठा के खाना खिलाया जाएगा, और इसका सेवा देखिए चालू है। तो ये दूल्हा बाबू, मेरा चचेरा भाई, कज़न ब्रदर और उसके दोस्त और मेरे अंकल चाचा जी सब बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, ये मैंने शादी का ब्लॉग बनाया। दोस्तों, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए और शेयर कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए।